It's bigger than me. Assalamu alaikum everybody. Welcome back to my YouTube channel. Kaise hain aap sab log? Guys, I'm not like it's the same day as yesterday. So in case you think I didn't change my clothes for one whole day, ye wahi din chal raha hai. Aur mera budhapa bhi bahut nazar aa raha hai. We can ignore that. Meri mama aayengi to wo mere baal dye kar dengi kyunki mujhe khud to karne nahi aate. तो अब फाइनली उसामा मेरी बर्थडे एक दिन गुजरने के बाद और ईदी भी मुझे ना देने के बाद, जो कि कल वाले व्लॉग में सबने कह दिया है कि आपको मुझे दे देने चाहिए, सो अभी मैं लेती हूँ. गाइस डोंट यू वरी, सारे बिल उसामा आज यहाँ के देगा. खैर हम लोग आ गए हैं, क्या जगह उसामा ही देते लेकिन आज ऑल द मोर देगा. आज मैं चीज़ें भी एक्स्ट्रा खरीदूंगी, चाहे वेस्ट हो जाए मैं ले जाऊँगी घर. अच्छा सुनो ना, मैं कुछ कह रही थी, हम आए DHA2 सेंट्रल पार्क. काफ़ी रश है वैसे और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ड्रिजल टाइप बारिश हो रही है, बट बड़ा दिल चाह रहा है कहीं बैठ के चाय पीने का. क्योंकि हम लोग पहले जब रहते थे ना क्वेटा में, तो वहाँ पे मेरे और उसामा की डेट होया करती थी ये, कि हम लोग वेट गाइस ये बंद होने दे. हाँ याद है उसामा, जब हम लोग लगे थे शादियों वाला म्यूजिक. गाइस वेट, ये देखें गाइस, दिस इज वेयर वी आर. ये क्वेटा केत लिए है और ये देखें बारिश से ना सब गीला गीला हुआ हुआ है. यहाँ से हम चाय पियेंगे. काफ़ी रश है उसामा, झूलों वाली जगह तो बंद है. बेसिकली दे हैव लाइक दी स्विंग्स वेयर यू कैन सिट ऑन, इट्स वेरी क्यूट कॉन्सेप्ट. ये टेबल खाली है, यहाँ बैठना, यहाँ बैठ जाते हैं. वैसे काफ़ी फेस्टिव जगह है, अच्छी लगती है. ओ ये तो गीले हैं सब, गीले हुए नहीं अंदर, तो फिर घर में बैठे रहते, अंदर क्यों बैठे. उधर देखो गाइस, लुक हाउ क्यूट एंड द वेदर इज सो नाइस एंड लाइक Everybody's here with their families and stuff. It's very nice and pleasant. और ये swings हैं, लेकिन ये वो single person swing है वो इनके साथ, bar table के साथ. But yeah, तेज़ हो रही है बारिश, so सभी भागते फिर रहे हैं अंदर. खाली निकलेगा सामान. तो यार कार्ड सारे आपने. कार्ड नहीं, कार्ड क्यों, सब नहीं ऐसे नहीं, पूरी ईदी चाहिए प्रॉपर. इसके अभी आप बहाने देखिएगा, मतलब है कि इतने चिल्लर मुझे दोगे तुम, तुम्हें शर्म ना आई. कोई ब्राउन रंग का नोट नहीं है तुम्हारे वाले, ब्लैक वाला मास्टर कार्ड मुझे नहीं चाहिए कोई कार्ड. हटो, कितने हैं गाइस ये, 1500 इससे बिल वापस, वो भी वापस ले ली. हद हो गई इस बदतमीजी की. मतलब गाइस 50 मिनट के बाद हमारे फ्राइज आए, हमने मसाले वाले मंगाए थे, उन्होंने इतना सा मसाला स्प्रिंकल करके हमें दे दी. और उसामा और मेरी कराची वर्सेस इस्लामाबाद बैटल चल रही है, बिकॉज आई डिसअप्रूव ऑफ दिस सर्विस. कराची में बहुत फ़र्क होता है. अब ये मुझे स्लोली स्लोली उसामा को बताना पड़ रहा है कि क्या डिफरेंस है. यू डिडंट गेट टू एक्सपीरियंस टू मच ऑफ कराची राइट दो, है ना. नेक्स्ट टाइम वी विल, आई विल शो यू. Also, these are Opa fries, guys. These are not real fries. Anyway, guys, मैं आपको पहले ये बता रही थी कि जब हम लोग क्वेटा में होते थे ना, तो वहाँ पे हम लोगों का ओनली डेट ऑप्शन वॉज कि हम बाहर निकल के चाय पे चले जाते थे. ऑल्सो बिफोर एनी क्वेटा पर्सन कम्स एट मी, वी वर्न्ट एक्चुअली इन क्वेटा, हम क्वेटा से थोड़ा सा आगे थे, थोड़ा सा नहीं, 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर आगे थे गाइज. सो इसलिए भी, इसलिए मतलब क्वेटा शहर जाना तो हमारे लिए वॉज लाइक बहुत आउट ऑफ द वे होता था. तो हम थोड़े सी ड्राइव पे, वो भी थोड़ी सी नहीं होती थी, 40 मिनट्स की ड्राइव होती थी. उस 40 मिनट्स की ड्राइव पे एक ट्रक ड्राइवर होटल था चाय वाला, बस हम उधर जाके चाय पी के आ जाते थे और गाड़ी में गाने सुन के. लगी ये ना, ये इन दो छोटी व्हाइट गाड़ियों के पीछे हुई है, बचत होगी है, यहाँ लग गई है, बचत बच गया, शुक्र है. चलो अब ये दोनों सिल्वर भी पंगा कर रहे हैं आपस में, आराम आराम से चलाए. एनीवे गाइस, हमारी स्टोरी ही नहीं कंप्लीट हो रही. तो चाय हम पीने जाते थे. अच्छा, और उसके साथ ना दो ऑप्शन होते थे, एक 50 रुपए का केक और एक 90, है ना, 50 और 90 दो ऑप्शन होते थे. एक 50 रुपए का केक ले सकते हो और एक 90 रुपीज़ का ले सकते हो. एंड हम वो 50 रुपीज़ वाला लेके, क्योंकि वो 50 वाला भी हमारे लिए बहुत बड़ा होता था, वो लेके हम लोग चाय के अंदर डिप कर करके खा के, और हम उसमें इतने खुश थे, मैं आपको बताऊँ, समहाउ हम उस जिंदगी में भी बहुत खुश थे. मतलब ठीक है, यू देयर आई वोंट लाइक ओ कभी आई नेवर गॉट अपसेट या कुछ, बट आई यूज टू.
कभी कभी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम नहीं. हम इन एक्टिविटीज में भी बहुत खुश रहते थे कि अच्छा चलो आज. और उस, मैं आपको बताऊँ, हम वो जगह ऐसी है कि आप गाड़ी से निकल के कोई आप कुछ नहीं, फिर भी मैं बड़ा तैयार श्यार होकर गाड़ी में बैठती थी और सामा भी अपनी तरफ से बड़ी शलवार कमीजें पहन के तैयार, बाल छल जल करके, और फिर हम जाके वो गाड़ी में ही बैठे बैठे वो चाय पीते थे, 50 रुपए का केक खाते थे और आ जाते थे, याद है तो. ओके गाइस, अब हम आ गए हैं इस दुकान पे. ये जो है ना, ये इस छोटू बॉय की दुकान है, इधर से मैंने पहले भी लिया. क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई. ठीक हो बेटा? आज इतने फ्रेश नहीं आए हुए फूल, पिछली दफा इतने अच्छे थे. आज बाजी फ्रेश आए हैं. कौन से फ्रेश? कोई भी नहीं इतने अच्छे. मजे की नहीं, फ्लावर कल है वो, थोड़ा अड्डे की सेटिंग थोड़ी नहीं आउट हुई. नहीं नहीं, वो तो सेटिंग की तो खैर है. अच्छा, ये वाले कितने के दे रहे हो बताओ? ये 350 के स्टिक है. ये 350 के है और वो 250 के. जी, सनफ्लावर 250. अच्छा, फिर ऐसे करो, 4 सनफ्लावर निकालो अच्छे वाले जो खिलेंगे भी अच्छे. ये सनफ्लावर से ऐसे हो रहे, ऐसे हो नहीं, लेकिन अभी किसी के घर लेके जाएंगे तो अच्छे तो लगे ना, खिले खिले. देखो जैसे ये कितना बड़ा प्यारा है, वो निकाल लो, लेकिन ये बिल्कुल मर नहीं जाएगा एकदम, लेकिन है तो प्यारा. खराब हुआ आप, किसी के घर से वापस लाऊं? खराब नहीं, अगर खराब हुआ आप तो यहाँ पे उससे फूल लेते हैं ना. हाँ हाँ, ये 4 कितने प्यारे. बस ये इनके ऊपर ना शीट बांध दो, ऐसी लंबी, स्टेम नहीं काटनी, ये वो फिर गुलदान में डाल लेंगे ना. गुलदान में डालना तो हाँ. उसको मैं टेप कर देता हूँ. टेप कर दो, लेकिन अभी किसी को देंगे ना, थोड़ी सी बस एक शीट बांध लो. वैसे ये रंग भी बहुत ही प्यारा है. ये मेरून. हाँ, मेरून प्यारा कलर है. ओके गाइस, वी हैव गॉट द फ्लावर्स. ये हमने किसी के घर जाना है तो मैंने कहा अच्छे से सनफ्लावर्स ले जाए. आजकल सीजन में यही है, क्रिसैंथेमम्स आर नॉट नाइस. हेलो गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग. ये देखें मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है. बुल्टू साहब वॉक कर रहे हैं, साथ हमने अम्ब्रेला पकड़ी हुई क्योंकि अभी इतनी तेज़ बारिश थी. बोले नो, फिर अभी जैसे ही रुकी तो हमने कहा जल्दी से हम वॉक पे निकल आए. उसामा सामने वालों का डॉग नहीं ओपन, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं. बोलती हूँ वो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स. देखा नाइस. चलो, थैंक यू फॉर लाइकिंग यस्टरडेज वीडियो गाइज. और वो जो गुलाब की थ्योरी है वो मुबीना ने हमें बता दी है कि वो हमने बायो क्लास में पढ़ा था, कोई साइंस है को डोमिनेंस की. तो वो को डोमिनेंस है कि जी वो पीछे से वाइट हो जाता है, आगे से रेड हो जाता है. मैं नहीं मानती क्योंकि मुझे लगता है कि को डोमिनेंस में रोज़ ऐसा होना चाहिए लाइक वाइट एंड पिंक मिक्स, पूरा पेटल पीछे से वाइट और पूरा पेटल पीछे से रेड, कैसे होता है, बट होता है. बोले राजो लोगों के उसमें नहीं घुसो, आ जाओ. आई एम बैक होम एंड दिस पार्ट इज़ ओनली फॉर दोज पीपल जिनको मेरी डेली रूटीन बहुत अच्छी लगती है देखना. तो ये मेरा आखिरी पॉड रह गया था जो मैं पीती हूँ दोल से. ये बाकी तो सामा के हैं और ये भी काफ़ी ख़त्म हो गए. तो मैंने सोचा कि हमारी ये जो पैंट्री है इसमें कुछ आखिरी से थोड़े बहुत ये रह गए, तो इनको मैं रीफिल कर दूँ उस स्टैक के अंदर, क्योंकि वो खाली सा तो बहुत बुरा लग रहा है. तो वो एक डोल से निकालते हैं क्योंकि ये मेरा वाला है, और एक ये निकाल दिया. ये कौन सा है? बियांको. हाँ, ये भी ठीक है. तो इनको हम खोल के और अब इनके अंदर करते हैं शिफ्ट. ये ऐसे खुल जाता है, एक मिनट. ये जी खुल गया, ये निकल गए बाहर. और अब इनको ऐसे अंदर सेट करते जाएं. अच्छा, ये जब मैंने लिया था ये जब मुझे मुबीना ने भेजा था, शी सेंट इट एज अ गिफ्ट, तो मुझे तो ये सेट ही करना नहीं आ रहा था. तो ये अब मुझे समझ आई है कि ये इस और इसके बीच में यूं चला जाता है ऐसे, वो इससे होल्ड हो जाता है फिर. तो ये अब हम करेंगे सारे इसके अंदर सेट, ताकि जब कॉफ़ी पीनी हो तो कॉफ़ी इसके अंदर हो, ठीक है ना. ये ट्रैवल में आते आते कुछ थोड़े दब गए बेचारे, ये जैसे ये दब गया. देखती हूँ अगर ये बन जाए तो आज इसको बना लेती हूँ, और ये जो ठीक वाला है इसको रख लेती हूँ. तो बस यही काम है गाइस, घर के घरों में तो यही काम चलते चलते रहते हैं. आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है अभी एक दो दिन में. Somebody is coming and then the videos are gonna be so much more fun. ये वाला कहाँ से खुलेगा? कहाँ से? इसमें से इसके नहीं फिसे, शुक्र है, ये ठीक है. अच्छा, ये हैं जी, इन पे अलग से कुछ लिखा है. ये क्या लिखा है? फॉर मिल्क. ओके, आई कैन ट्राई दिस वन टुडे आल्सो.
नो प्रॉब्लम। लास्ट वाले में मैं बहुत ही, एक तो डालना भी उसमें बड़ा मुश्किल है और फिर उसमें से निकालना भी बड़ा मुश्किल है आखिरी वाले उसमें से। ये हो गया दराज, दोबारा फुल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू माय बेस्टी एंड माय सिस्टर हु ऑलवेज मेक श्योर के आई हैव द स्टॉक। अच्छा ट्राई करते हैं, अगर ये फिसावा वाला चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते फिर। मेरा कुछ ख्याल है कि चल तो पड़ेगा या शायद नहीं, आई डोंट नो, लेट्स सी। अभी तक तो कुछ नहीं निकल रहा। नहीं भाई, एरर दे दिया उसने। एक दफ़ा दोबारा रीप्रेस करती हूँ। ओके, अब मैंने रीप्रेस किया है, लेट्स सी, शायद दूसरे, उसको ना घुमा के दूसरे एंगल में किया है, शायद निकला है। नहीं, आवाज़ बता रही है कि नहीं निकलेगा, कुछ तो आ जाओ ना। एरर आ गया, फिर लाल बत्ती आ गई। आई थिंक ये पॉट तो ज़ाया है। नो गाइज, इट्स नॉट वर्किंग, सो दिस पॉट विल गेट वेस्टेड। वो बहुत ही फंस गया है ना बेचारा, वो देखें बहुत ही, इसमें से ये देखें बहुत ही फिसा हुआ है, वो उसको स्कैन ही नहीं कर पा रहा। आई थिंक रख लेती हूँ, शायद उसामा इसको खोल के बना ले, आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। तो फिर अब हम ये बना लेते हैं, ये फॉर मिल्क वाली जो थी। दैट्स सैड, आई डोंट लाइक वेस्टिंग थिंग्स। चलो कोई नहीं, अब ये देखिएगा ये कैसे निकलती है। ये निकल आएगी क्योंकि आवाज़ ही मशीन की सही हो गई। ये निकल आएगी। ये बहुत ही फिस गई थी ना, इसका ये भी तो देखे ना, ओरिजिनली ये ऐसे ये निकल आई था ऐसे, ये तो ठीक थी, ओरिजिनली इतना राउंड होना चाहिए, ये तो बेचारी बर्बाद ही हो गई। थोड़ा सा सीधा करके देखती हूँ, शायद हाथ से अगर हो जाए ठीक तो, वरना पर फेंक देंगे फिर क्या ही कर सकते हैं। अच्छा ये बड़े मज़े की फ्रॉथी फ्रॉथी निकल रही है, आई लाइक इट। इसको मैंने हाथ से कुछ सीधा किया है, देखते हैं। अब ये मेरी ज़िद बन गई है, इसको मैंने इस्तेमाल करना है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो उसामा कैन जस्ट हैव द प्लेन शॉट मे बी, maybe I think it's gonna work, come on come on। आवाज़ तो ख़राब हो गई मशीन की। Guys, I think it's working, I think it's working, yay finally, I don't give up, do I? नहीं भाई, इतनी सही नहीं निकल रही, shit। I guess that's not meant to work, never mind। कुछ तो हो रहा है, पता नहीं अब क्या हो रहा है। Okay guys, I just got ready, I used wait, oh hello, what is that, turn around, this is your surprise, ye aapka camera kyun on hai, hello। मैं तो ब्लॉग बना रही थी अपना। ओह माय गॉड, प्लीज कम, बुलेट जम नहीं मारना, प्लीज कम इन, एक सेकंड प्लीज, वेलकम होम, बुलेट आना था। आपकी शक्ल किधर है? दरवाजा पूरा खोल दे प्लीज, ये पूरा नहीं आएगा, वेलकम होम। बुलेट लो, ब्रो बुलेट को पकड़ लो प्लीज, बुलेट पकड़ ले, जम नहीं करेगा। ओह माय गॉड, मैं तो जनरली अपना व्लॉग बना रही थी, इतना मेकअप शेकअप करके। आपका बर्थडे सरप्राइज, सरप्राइज, दो घंटे में बनाया है हमने इसको। क्या? This is not a 2 घंटे, you can put it down, can you put it on the stand? क्या? Wait, let us clear the section. दो नहीं लगे, चार लगे। भाई दो। मैं ना देख रही हूँ तुम कितनी। पकड़ाओ भाजी। गाड़ी में रहेगा। काजी ने जैसे पकड़ा हुआ था वैसे पकड़ा, काजी ने जैसा, इट्स बिगर देन मी, लुक एट दिस गाइस, दिस इज सो कूल, आई वांट अ होल फोटो शूट विद दिस। मैं अपनी पूरी लाइफ में इतना जल्दी नहीं तैयार हुई, और मैं फटाफट तैयार हो गई हूँ, और जो मुझे गाजी सारा ने प्रेजेंट दिया वो लेके मैं जून जा रही हूँ, आई नीड टू टेक सम पिक्चर्स। सारा मैं पीछे बैठ जाऊँ, जगह है, श्योर,
Hey you guys, I'm at June in my vintage Saint Laurent dress. Even though abhi itni koi sardi nahi rahi, but maine pehen liya because I kept it for my birthday. And we just took some pictures with the whole thing. I'm very excited about it. It's so beautiful. Sara aur Ghazi ne itni effort uske andar dali hai. Each and everything is like stuff that I actually eat. So it's beautiful. It's just like itna bada. It's taken over the whole table. Khair, ab main thodi der yahan baithungi. I'm gonna enjoy the vibes of June and probably have some nice coffee. There's actually a lot of fun dessert today too. Oh, this cake is so cute. पाकिस्तान का झंडा भी है छोटा सा. इनकम्प्लीट है. हाँ, किसी का नाम शायद आना. देर इज अ होल न्यू मिलियनर्स टार्ट ऑल्सो. आज ये भी बने हुए. मैं तीन दिन से क्रेव कर रही हूँ. आज प्रॉब्ली आई विल हैव दैट विद कॉफी इन अ बिट. यम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आप सब लोगों का. मैं ऐसी बाहर खड़ी थी तो मैंने देखा कि इतना खूबसूरत सूरज का ग़ुरूब का मंज़र है और प्यारा सा एक लग रहा है कि जैसे फायर बॉल है जो आसमान में बस एक हैंग कर है. तो और बिल्कुल उसके ऊपर ना, अगर आपको याद हो बचपन में हम लोग इतना फैसिनेट होते थे कि ये लाइन क्या बन रही है. तो ये उसके बिल्कुल ऊपर एक वो प्लेन गुजर रहा था तो उसकी इतनी खूबसूरत सी वो एक मज़े की लाइन और वो बनती जा रही थी. बर्ड्स देखे अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं और ये मेरे घर के ऊपर वाले टेरेस से एक पूरा व्यू है बहुत खूबसूरत सा. इतनी ओपन और इतनी प्यारी सी फीलिंग है. तो मैंने कहा चलें बाहर खड़े खड़े आपके साथ शेयर करती हूँ. और ये देखें माशाल्लाह से मेरा लॉन जो है वो भी ग्रीन पूरा होता जा रहा है. मेरे पौधे भी सब माशाल्लाह से सही चल रहे हैं. वह जो आपको दो स्क्वायर पैचेस नज़र आ रहे हैं वहाँ से मैंने अपना एक किन्नू का दरख्त था दो मेरे पास, वो मैंने लगाए थे तो वो मैंने निकाल दिए बिकॉज एवरीबडी वॉज टेलिंग मी स्पेशली मेरे मियाँ कि तुमने लगा तो दिए हैं बट ये कि जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो यहाँ घास नहीं रहेगा. तो बात मुझे समझ आ गई तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर मैं वो घास निकाल देती हूँ और वो दरख्त निकाल देती हूँ वहाँ से. और उनको निकाल के मैंने वो सामने गमलों में लगा दिया ताकि वहाँ पर वो अच्छे से चलते रहें. तो बस इसी तरह अब क्या उसको कहते हैं ख़ूबसूरत सा एक मंज़र है जिसको बस मैं बाहर खड़े होकर इंजॉय कर रही थी और साथ साथ चाय पी रही थी. तो मैंने कहा आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ. ओके अल्लाह हाफ़िज़. ये ना मैंने अपने ऊपर वाले लाउंज में बिल्कुल अपने बेडरूम के सामने अगर आप देखें तो ये कुछ गेम्स रखी हुई हैं, कुछ बोर्ड गेम्स हैं. तो अब ऑब्वियसली मेरे साथ कोई खेलने वाला तो होता नहीं है और मैं इतना इंतहा का कभी कभी बोर हो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ. तो ये मैंने ना अभी गेम शुरू की हुई थी तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ. सो ये मैं हूँ, ये माहा है, ये उसामा है और ये शफाफ है. अब मैं ये सब की गेम, ये मैं सबका जो है ना खुद ही से ही डाइस को करती हूँ और फिर मैं देखना है कि कौन विन करता है. तो मैं बैठ के ना अकेले ये गेम खेल रही थी और साथ साथ ये सामने अपनी बेटी का व्लॉग इंजॉय कर रही हूँ. और ज़िंदगी इतनी वो हो जाती है समटाइम्स, आपको लगता है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी बहुत हम फारग हो जाएंगी और हमारी बहुत सारी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी. लिटरली जब बच्चे घर में होते हैं तो रौनक होती है और जब एक दफ़ा वो चले जाते हैं ना तो तब आपको पता लगता है कि उनकी कितनी रौनक थी और आप कितने एम्प्टी नेस्टर्स हो गए. और बस फिर वक्त गुजारने की आपको समझ नहीं आती क्या करें. तो अब मैं कभी ये गेम खेलती हूँ तो कभी मैं ये गेम खेलती हूँ और जब कुछ नहीं मिलता तो फिर ये गेम खेलती हूँ. और ये सब करने के बाद अभी मुझे मेरी एक शर्ट है जो मेरी बहुत ही फेवरेट फैब्रिक है, बिल्कुल प्योर जामावार और बहुत ही फाइन वाला जो फैब्रिक होता है ना, तो ये वो है. तो क्या हुआ कि मैंने एक शादी पे इसको पहन के जाना था और पता ये चला कि जी ये तो मुझे टाइट हो गया. अब फिर मैंने इसको साइडों से खोला, सारा सेटिंग की, तो जब सेटिंग कर ली तो फिर मैंने इसमें ये वाला गोटा और उसके साथ ये डायमंडीज ऐड की हैं. अभी भी स्टिल ये थोड़ा सा रहता है यहाँ पे, मैं अभी कर रही हूँ ये यहाँ पे भी ऐड करना है मुझे. और एक और ये हुआ कि यहाँ पे फ्रंट पे बिल्कुल एक दाग लग गया. जैसे कराची में ये होता है कि कभी कभी ना आपके कपड़े लटके लटके किसी एक जगह से उनके ऊपर एक निशान लग जाता है और फिर वो निशान जाता नहीं है. तो मैंने काफ़ी इसको रात को धोया, इसको हल्का सा ब्लीच भी किया बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा.
तो अब मैंने क्या किया है कि जस्ट टू हाइड दैट निशान, मैंने इसके ऊपर ना ये लगाए हैं, ये गोटे के ना छोटे छोटे से, और उसके ऊपर डायमंडीज लगाई। अच्छा, जब ये लगा लिया तो ख्याल आया कि ये मैच किसके साथ हो रहा होगा, तो फिर मैंने पूरा गला बनाया। अब जब गला बन गया है तो ऑब्वियसली ये तो अभी मैंने सिर्फ दो ही लगाए हैं, तो इस पूरी कमीज़ पे यहाँ 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 सब जगह पे अब मुझे ये लगाना पड़ेगा। तो अभी मैंने ये पूरा काम करना है बैठ के, और वंस द शर्ट इज़ रेडी तो फिर आपको दिखाऊंगी और फिर शादी पे इसको पहनूंगी। तो ये अब मेरी एक्टिविटीज़ हैं और ये मेरे पास टाइम है। अब इस तरह मैं अपना सारा वक्त गुजारती हूँ। चलिए जी, आई होप कि आपको इससे कुछ मिली होगी इंस्पिरेशन, बिकॉज कभी कभी कोई चीज़ को आप जो आपकी बहुत फेवरेट हो और वो ख़राब हो जाए और आपने उसको ठीक करना हो, तो फिर आप उसको दोबारा से उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करके उसको दोबारा से ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप किसी नई चीज़ के साथ दोबारा मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़। यम्मी केक पॉप्स भी आ गए। हाँ, उनकी कस्टमर आ गई हैं। बेसिकली उनका इंटीरियर डिज़ाइन का वो है लाइक राइट नेक्स्ट जून, और बहुत खूबसूरत है। मैं आप लोगों ने बाहर से अक्सर देखा ही होगा, आपको इधर से दिखा देती हूँ। दिस इज़ हर्स हर स्पेस। आई एम वेरी एक्साइटेड कि वन एवर मामा विजिट्स आई विल ब्रिंग हर हियर बिकॉज शी वुड ऑल्सो लव द स्पेस। तो वो आपने देख लें, इंटीरियर बोहेम बाय मोमिना, सो शी विल जॉइन अस इन अ बिट। हम तब तक इधर बैठ के वेट करते हैं। ओके गाइज, आई होप यू इन्जॉय टुडेज़ व्लॉग। आई रियली रियली होप यू इन्जॉयड इट। और मामा वाला पार्ट जो था ना, वो देख के तो मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई, बिकॉज इट्स जस्ट सैड लाइक दिस एम्प्टी नेस्टिंग फेज एंड दिस ऑल, बहुत इट्स सैड, बट शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट। वो भी उसके साथ, शी इज़ सो न्यू टू इट कि शी इज़ ट्राइंग टू कोप विद इट। और वो भी कोई ना कोई एक्टिविटी, कभी कपड़ों की, कभी लूडो, कभी कुछ ना कुछ करती रहती हैं। अभी यहाँ आएंगी मेरे पास इंशाल्लाह जब भी, तो मैं उनको फिर लूडो स्टार सिखाऊंगी कि मेरे साथ ऑनलाइन लूडो स्टार खेल लें और ये ना करें और मेरे साथ खेल लें, आपके साथ खेल लें। सो स्टफ लाइक दैट वी आर गोइंग टू डू, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस शी विजिट्स अस सून एंड देन वी हैव सम फन टुगेदर। बट या, आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आप फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। हम अब बैठ के आराम से कौन से अपना खाना खाते हैं, आप लोग जो हैं वो व्लॉग इंजॉय करें और मामा का पार्ट इंजॉय करें, और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।